मैं कहना चाहूँगा कि ये हर साल ऐसे ही होना चाहिए कि इंडस्ट्री, ये हमारा खुद का फेस्टिवल है, हमारे शहर का फेस्टिवल है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री की कोशिश ये हो कि मामी जो फेस्टिवल है ये दुनिया भर में इतना पॉपुलर हो जाए कि हर देश से जो फिल्म मेकर्स हैं वो आना चाहें, इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहें, जो एक से एक फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं हर देश के, वो इस फेस्टिवल में शामिल होना चाहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए और उसकी तरफ हमें काम करना चाहिए। तो हमें यकीन है कि हम कर सकेंगे, ये हमें यकीन है हम कर सकेंगे। Well, certainly all's well that ends well, but at the same time I'd like to actually thank the Anil Ambani group of Reliance, which जो पिछले चार सालों से उन्होंने सपोर्ट किया इस फेस्टिवल को। ये एक छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है कि पिछले चार सालों में उन्होंने इस फेस्टिवल को सपोर्ट किया और आगे ले गए। ज़रूर उनकी कुछ मजबूरी हुई होगी जो वो इस साल नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग ने किया है और आगे भी हम करना चाहेंगे। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि चार साल तक वो इस फेस्टिवल को यहाँ तक लेकर आए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको और आगे ले जाएँ। अच्छा आमिर, एक सवाल था आपसे। जी, हमें अभी पता चला था, दिव्य जी बता के गए कि हैप्पी न्यू ईयर के साथ आपकी फिल्म का ट्रेलर आ रहा है, तो ये शाहरुख का मतलब हम पहले भी देख सके? अरे नहीं नहीं सवाल क्या आपका? ठीक है, हाँ पूरा कर। जैसे रब ने बना दी जोड़ी के, जो फिल्म जब रिलीज हुई थी तब आपके गलती का वो पोस्टर दिखे, जी तो ये कुछ हमें वैसे ही लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दरअसल मेरी इत्तेफाक से पिछले चार पाँच सालों में जो मेरी फिल्में हैं वो क्रिसमस में आती हैं, और जब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जब मेरी फिल्म क्रिसमस में आएगी तो उसका जो ट्रेलर है वो दिवाली पे आएगा, जाहिर है दिवाली पे आएगा। हम लोग एक डेढ़ महीना दो महीना पहले हम अपना ट्रेलर रिलीज़ करते हैं। तो ये इत्तेफाक की बात है कि पिछले कई सालों से, चार पाँच सालों से, थ्री इडियट्स, गजनी, तारे ज़मीन पर, ये सारी फिल्में, धूम थ्री क्रिसमस पर आई, तो जाहिर है हम दिवाली के आसपास हमारा ट्रेलर रिलीज़ होता है। तो दिवाली के दिन मैं पिछले चार सालों से मैं अपनी जो भी फिल्म आने वाली है उसका ट्रेलर रिलीज़ करता हूँ। फिर दिवाली पे कोई भी फिल्म हो, जिस एक्टर की भी फिल्म हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता और ना उस फिल्म को फ़र्क पड़ता, क्योंकि लोग तो वो फिल्म देखने आए हैं, उनको हमारी फिल्म मतलब कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ना, हम थोड़ी हमारी फिल्म रिलीज़ थोड़ी हो रही है उस दिन। हम बल्कि चूँकि शाहरुख की फिल्म इतनी कामयाब होगी, कितनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं वो, इतनी लोकप्रिय होगी, इतने ज़्यादा लोग उसको देखने आएंगे, तो हमको फ़ायदा होगा उससे, क्योंकि हमारा लोग शाहरुख की फिल्म देखने आएंगे, उसमें हमारा ट्रेलर भी देख लेंगे, तो ये हमें खुशी की बात है। हमें इट्स वेरी नॉर्मल थिंग टू डू, नथिंग अनयूजुअल। ये हमारी मदद होगी, उनकी फिल्म कामयाब होगी, जितने लोग शाहरुख की फिल्म देखेंगे वो हमारा प्रोमो देखेंगे, तो हम तो दुआ करेंगे कि शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर खूब कामयाब हो और ज़्यादा बिजनेस करें। अच्छा आमिर, दरअसल हम लोग ने वो मार्केटिंग का स्ट्रेटजी भी बनाया नहीं है, उस पर डिपेंड होगा। आमतौर पे हम टीवी शोज पे नहीं जाते आमतौर पे, देखते नो, दिस इज जस्ट फॉर माय सेल्फ, नो, मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की। No, I've not signed any film. TK के बाद अब तक मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की है। So until I decide, I've not decided yet. हमें हमेशा ये होता है, कि जब भी आपकी फिल्म आती है, उस साल जितने भी रिकॉर्ड बने हो मार्केट वाइज, वो आपकी फिल्म आने के बाद सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। तो इस बार भी हम उम्मीद करें कि काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में आई, अच्छा बिजनेस किया है, तो जब TK रिलीज होगी वो भी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वेल, रिकॉर्ड्स का तो हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन TK मेरे लिए बहुत ही ख़ास फिल्म है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है, और मुझे लगता है कि राजू हिरानी जो डायरेक्टर हैं TK के, वो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर हैं वो, जैसे हमने मुन्ना भाई में देखा, लगे रहो में देखा, थ्री इडियट्स में देखा। तो मुझे बड़ा इंतज़ार है कि लोगों को फिल्म कैसी लगती है, और उम्मीद है मुझे कि लोगों को पसंद आएगी, लोगों को अच्छी लगेगी। आई थिंक पर्सनली व्हाट आई फील इज़ दैट वी एज अ फिल्म इंडस्ट्री शुड मेक दिस फेस्टिवल सो स्पेशल दैट इवन पीपल वुड वांट टू कम फॉरवर्ड एंड स्पॉन्सर। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आवर अटेम्प्ट शुड बी, एंड आई थिंक दैट वेदर इट्स पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, वेदर इट्स पीपल हु कम इन एज स्पॉन्सर्स, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट सिटी ऑफ मुंबई, विच इज़ द होम ऑफ हिंदी फिल्म,
should actually be hosting one of the best festivals in the world. That should be our attempt. Yeah. So I think we need to work together, the film industry and people from you know, different corporates, and work together to make it a favorite destination of filmmakers across the world. Thank you. Thank you. Hello, good evening. Hi. Happy Dhanteras. Thank you. And also advance birthday. Tomorrow is my birthday. I'm just announcing it everywhere. I'm too excited. What's your plan for your birthday? Very boring plan. I have no plan actually. Tomorrow I'm working because we're launching a song from Kildin. So that, and then I said, yaar, aadha din to chutti de do please. So they've given me half day off tomorrow. And then I'll go for a dinner or some film or something. I'll go. I'm very excited. So I'm obviously here for Mami, and I missed the opening ceremony. I couldn't be here because I was working that day. So I had spoken to Anupama ma'am and I said, okay, I will come for the closing. So I'm so glad that in my own small way, at least my appearance can help the festival. And I'm so glad that despite so many problems, we've really soared and we've made the Mumbai festival also very big. Diwali, first of all, wish you all a very happy Diwali. I hope you all have fun. Mera zyada plan nahi hai, us din mera kaam hai, thoda sa. But I'll just decorate my house a little bit and us din chutti hai. Thodi si shooting hai, but thodi si chutti bhi hai aadhe din. I'll sleep. What do you like about the film festival and the film festival? What do you like? Koi film festival hota hai. What do you look forward to? I think किसी भी festival में आप assured रहते हैं the quality of films that are screened. कभी कभी जब हम ticket खरीद के एक picture देखने जाते हैं तो आप sure नहीं होते हैं कि वो picture अच्छी होगी या नहीं. लेकिन festival में I think only the best are chosen, so you're always assured of quality. So, thank God. Yeah. Thank you. Yeah. It happens, yeah, every film you can't be, it's like a gamble, you know, because, you know, we are obviously dependent on all you people to like the film, and I think everybody can't like the same thing as you. So I did the film because I liked the script at that time, but obviously you guys didn't enjoy it, so that's a gamble, yeah, every film will either be a hit or a flop. मैं समझ सकती हूँ वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आपको फिल्म नहीं पसंद आ रही तो आपको लगता है यार मेरे 3 घंटे वेस्ट हो गए, तो मैं समझ सकती हूँ वो क्या कह रहे हैं. आपके हिसाब से कोई मूवी 2014 में या 2013 कभी ऐसी कोई? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहती है, मेरे दिमाग में है सारी. No, somebody has to choose me. I don't choose the filmmaker. So somebody has to choose me and make a Diwali blockbuster. So I can't answer that question. No, actually I haven't. I should, na? Har saal mujhe, meri mom message karti hai, subah today is Dhanteras and you must buy something. Lekin wo har saal miss ho jata hai. Main actually apne birthday ke baare mein itna sochi hu, mera dimag nahi chal raha. आप लोग सब आई होप मुझे गिफ्ट भेजने वाले हैं कल और केक भेजने वाले हैं. नहीं यार, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है. आई जस्ट कि बर्थडे हमेशा मेरे लिए वो रहा कि यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड, बट उतना ही है, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है. यू आर इनवाइटेड, एवरीबडी ओपन इनविटेशन, प्लीज कम टू माई हाउस. सॉरी अकानी. या Actually, for me it wasn't a long gap, because when Deepika had done it, I had, you know, I had obviously messaged her and told her what I felt. When Kangana had done it, I had spoken to her. So to every actress I had spoken in person. But there were a lot of journalists who were messaging me to take my quote when Sonakshi, you know, said something on Twitter. So I said, instead of giving quotes to every channel or every journalist, I thought I'll just say it on Twitter what was my opinion. And it was great because, you know, nobody then after that asked me, because they knew what was my opinion.
So for me, it was not a time lag. It was just a moment because everybody had started messaging me. So I said that I should, you know, it is my duty to give my opinion out. So that's what I did. ये सच है सॉरी या ऑफ कोर्स आई बीन चिलिंग विद हिम आई थिंक ही इज लुकिंग वेरी हॉट आई टोल्ड हिम दिस इज हिज बेस्ट लुक ही इज लुकिंग ऑसम एंड आई हैव सीन सम ऑफ हिज लुक्स ही इज बीन शूटिंग बाजीराव सो आई हैव बीन सीइंग सम पिक्चर्स दे आर ऑसम आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर दिस विदाउट यस अगर आप मेरा फ़ोन खोलेंगे तो मेरे पास ये पिक्चर्स हैं और मैंने रणवीर को बोला कि जिस दिन तुमने मुझे तंग किया मैं वो रिलीज़ कर दूँगी एंड हमारे सेट पे जितने लोग हैं उन सब ने देखी है वो पिक्चर्स और मेरे पास है वो रणवीर को भी मैंने नहीं दी क्योंकि मुझे लगा वो डिलीट कर देंगे है कहीं पे बट थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योरसेल्फ एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन थैंक यू तो आप उसी के लिए तो आए हो हम आपके लिए भी आए हैं आई मैं बहुत एक्चुअली खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन पाई बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए फॉर अ फेस्टिवल लाइक दिस टू टेक प्लेस क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी फिल्में दिखाई गई हैं जो अदरवाइज हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है एंड एज पीपल हु लव फिल्म हु वर्क इन फिल्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को वर्ल्ड सिनेमा की नॉलेज हो और अप्रिसिएशन ऑफ सिनेमा हेल्प्स यू क्रिएट बेटर वर्ल्ड the niche filmmakers get a platform to show off their films and these kind of films need to be recognized and rewarded at the same time so I think this is a perfect occasion and I'm very very glad to be here today No, I don't think there's any rivalry in any cinema because cinema is a very universal language and wherever you go the problems are the same or emotions are same people are the same all over the world you know the nature has never changed and what we show through our movies is sometimes a comment on society and you know what's happening around the world so I think cinema usually brings people together instead of you know taking them apart जी मैं कहूँगी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन हमारी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सिनेमा इज यूनिवर्सल लैंग्वेज है हर जगह पे चलता है लेकिन थोड़ी देर पहले विनोद सर आपने यहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की कुछ स्टूपिड मूवीज बनती है जिसे देखने के बाद लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है आप क्या कहेंगे इस बारे में फिर मैं कहूँगी कि हर टाइप की फिल्म बनती है इतना ही है कि फिल्म्स आर फॉर एंटरटेनमेंट और अगर लोग कोई भी फिल्म देख के एंटरटेन होते हैं तो हमारा जो ध्येय था वो सफल हो गया थैंक यू कुछ सुनाई नहीं दे रहा यार राइट सी आई वॉन्ट टू एक्चुअली थैंक एवरीबडी हु सपोर्टेड दिस फेस्टिवल एंड आई नॉट ओनली वॉन्ट टू थैंक पीपल हु सपोर्टेड इट बट आई वॉन्ट टू ऑल्सो थैंक रिलायंस दैट ब्रॉट इट फ्रॉम वेयर इट वॉज इन फोर ईयर्स इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट 20-25 crores टू ब्रिंग इट हियर एंड नाउ Hopefully it'll become better and better every year. But I'm very, very grateful, extremely grateful to everybody. Yeah. See, this year the festival, as you all know, was almost dead. I mean, we had only 5 weeks to build it up and bring it from near death to where we brought it. Hopefully next year will be much, much better. We can only hope and pray that now people come together and take it to where it should go. I think Mumbai being the city where we make cinema, we can over years really make it one of the top festivals in the world. I hope that happens. In terms of our films, 19th December we will release PK
And 16th of January, we'll release Broken Horses. The Broken Horses trailer will be seen with PK on the 19th of December. And the PK trailer will be seen day after tomorrow with Happy New Year. मेरे को इसमें कोई डाउट ही नहीं, आपको डाउट है तो आ जाइए आप इधर बता दीजिए मुझे। हाँ बनती हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि हॉलीवुड में हर जगह बनती है, लेकिन यहाँ तादाद थोड़ी ज़्यादा है। No, I only see cinema to get inspired. I don't think as a filmmaker you look at your competition and you say, oh, this guy, maybe actors do that. I have 6 packs, I have 8 packs, I have 4 packs. But I, as a filmmaker, I only seek inspiration from film festivals, not competition. Not at all. Okay. Well, very much excited. Very excited. And excited because that's the only day I could attend this festival. I was shooting. Thank God that I could take out time for this one day. I'm happy. Thank you. Yeah, I'm gonna host the show, so I'm very nervous. Please touch wood that I do okay, because I get very shy when there's a big group and speaking in front of everyone. But I'm very excited, so I hope it goes well. I've come and seen a few films and I really enjoyed it, and it's a superb atmosphere. I have to say it's very electric. I mean, it sounds a bit cliche, but it really feels like a different world. So like that, it's really lovely. With the family, with 2 little children, and my show is airing from the end of November on Star World. So the Tara Sharma show, I'm excited about that. Very happy Diwali to everyone. Thank you. And we interviewed Mary Com on the show as a mom, so that will be exciting. The show is, it's called the Tara Sharma Show, Diaries of a Mom. So it's topical parenting issues with moms from all walks of life. So celebrities, we have Kajol, Juhi, Mary Com on the show, and lots of regular parents as well. And then our stories and features, raising awareness for causes like autism, child sex abuse awareness. So it's all things related to parenting and kids. तरह इस साल भी मामी बहुत सक्सेसफुल रहा है. एंड आई थिंक इंडियन फिल्म फेस्टिवल होने के बाद इंडियन सिनेमा को ये चाहिए जो मामी एक इनिशिएटिव ले रहा है. हमारी सबसे बेहतरीन फिल्म्स दिखाई जाती है एंड उन्होंने सो बस कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि बहुत सक्सेसफुल रहा. आई थिंक सभी फिल्में जो फिल्में का बनाते हैं वो अपने टेस्ट से बनाते हैं और एक ऑडियंस को ध्यान में रख कर बनाते हैं. सो आई थिंक उन ऑडियंस के लिए वो फिल्म चलती है, कुछ ऑडियंस के लिए वो नहीं चलती. तो आई थिंक हर एक को एक हल्की फुल्की फिल्म भी चाहिए होती है, मज़ेदार भी, मसालेदार भी और इमोशनल भी. तो हर एक के लिए एक ऑडियंस है तो फिल्म बनती है. I don't know, but I really think one of my favorite films, दो मेरी जो बहुत फेवरेट फिल्म्स हैं, खुदा गवाह और लम्हे. आई थिंक अगर वो फिल्म बने दिवाली पे कभी आती तो मेरे हिसाब से ब्लॉकबस्टर होती. मुझे नहीं पता, मैं सारी फिल्म देखती हूँ, मुझे सारी फिल्म बहुत पसंद आती है. बल्कि जो मेरे मैनेजर्स हैं मुझे यही बोलते रहते हैं कि तू हर फिल्म देख लेती है, बट मैं हर फिल्म एक ऑडियंस के हिसाब से देखती हूँ. मैं ये नहीं नोटिस करती किसी ने कपड़े क्या पहने हैं, डायरेक्शन क्या हो रहा है. मैं एक फिल्म देखती हूँ इन्जॉय करने के लिए. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली. सेफ रहिए, पटाखे मत जलाइए प्लीज़, पॉल्यूशन का सोचिए और जानवरों का. थैंक यू.